उत्तराखंड भर्ती घोटाला मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में सरकारी नौकरी में भर्तियों को लेकर सरकार पर आरोप लगाया गया है। सूत्रों की माने तो सभी भर्तियों में हुए घोटालों में नेताओं के रिश्तेदार और अन्य लोगों की गलत तरीके से भर्ती की गई है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भर्तियों को लेकर भाई भतीजावाद अपनाया गया है, जिसके कारण लोगों में काफी रोष था। इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार सीएम धामी ने नेताओं के रिश्तेदारों और अन्य लोगों की गलत तरीके से हुई भर्ती को देखते हुए उनकी नियुक्तियों को निरस्त करने के लिए कहा है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से कहा है कि इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया जाए। वहीं एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी है, जिसके बाद सीएम धामी ने विधानसभा में गलत तरीके से लोगों की हुई भर्तियों को निरस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भर्ती घोटाले के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि समिति ने नियुक्तियां रद्द करने की सिफारिश। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने माध्यम से, अपनी मंशा, आपके माध्यम से अपनी मंशा प्रदेश के सामने रखी थी और कहा था कि युवाओं को निराश नहीं होना है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रदेश के युवाओं की आशाओं व अपेक्षाओं पर खरी उतरने का प्रयास ईमानदारी से कर सकूं। मैंने ये भी कहा था कि मैं अनियमितताओं को लेकर कठोर निर्णय लेने में संकोच भी नहीं करूंगी। आज 23 सितंबर है और ठीक 30 दिन पहले 3 सितंबर को यहीं पर हम आपने बातचीत की थी, तब मैंने यह वादा भी किया था कि जल्द ही मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी। मैं आप सबको सूचित करना चाहती हूं कि मुझे कल देर रात विशेषज्ञ समिति से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। आप जानते हैं कि मैं कोटद्वार में थी और मैं वहां से जब लौटी तो मुझे खबर आई कि रिपोर्ट तैयार है, पूरी रिपोर्ट तैयार है, इट इज नॉट एन इंटरव्यू रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार है, इसलिए वो मुझे सौंपना चाहते हैं। समिति ने यह सराहनीय कार्य किया है, मैं अप्रिशिएट करूंगी हमारी समिति को। तीनों ने लगातार 20 दिन तक दिन रात मेहनत की है, शनिवार रविवार की भी उन्होंने परवाह नहीं की है और साथ ही साथ अपने विधानसभा सचिवालय के जो मेरे अफसरान हैं उन्होंने उस समिति के साथ पूरी तरह से उनको कोऑपरेट किया है, उनके साथ रहे हैं और जब भी कुछ भी कागजात उन्होंने मांगे हैं वो उन्होंने उन तक पहुंचाए हैं। समिति ने सराहनीय कार्य किया है और निर्धारित अवधि के पूर्व ही रिपोर्ट सौंप दी है। पूरी रिपोर्ट 2014 पेज की है लेकिन इसमें संलग्न भी शामिल है, जबकि केवल रिपोर्ट की अंश जो है वो 29 पेज के हैं। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गई उनमें अनियमितताएं थी तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। साथ ही 2016 से 2022 तक की कुल 228 तदर्थ नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की भूमिका को संदेह के घेरे में पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने साल 2016 की 150 भर्तियां, साल 2020 की 6 भर्तियां और 2021 की 72 तदर्थ भर्तियों को निरस्त करने के लिए शासन से कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में 72 लोगों की नियुक्ति में वर्तमान मंत्री और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष
प्रेमचंद अग्रवाल के पीआरओ की पत्नी और रिश्तेदार को भी नौकरियां दी गई थी। इतना ही नहीं, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के एक पीआरओ आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा ने विधानसभा में नौकरी पाई। बिना किसी परीक्षा के पिंक एंड चूज के आधार पर सतपाल महाराज के पीआरओ राजन रावत भी विधानसभा में नौकरी में लग गए। इसके अलावा रेखा आर्य के पीआरओ और भाजपा संगठन महामंत्री के करीबी गौरव गर्ग को भी विधानसभा में नौकरी मिली। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के पीआरओ आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा को भी नियुक्ति दी गई। कई नेताओं के सगे संबंधियों को भी नियुक्ति मिलने के आरोप हैं। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन की विशेष रिपोर्ट।